लोग। तुम कौन हो? मैं इस गांव का सरपंच भानु प्रकाश हूँ। मैं तूफान का झोंका हूँ जिसका नाम मग्गी राजू है। तो मैं क्या करूँ? तू फंस चुका है। मुझे पकड़ क्यों रखा है? तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हमारे भाई भैरव गौड़ा के सामने मुछों पर ताव दिया? हाँ भाई, चाहिए तो मेरी मूछ निकाल लो भाई, पर मुझे छोड़ दो भाई। मूछें तो फिर से आ जाएंगी, पर जान जाएगी तुम्हारी नहीं जाएगी ना। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बस यही रोक। स्टेशन के पास से तुम पहले चलो तो सही, जाकर जल्दी से ताला खोलो। नहीं, इसे छोड़ो। मैं लेती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। हाँ भाई, कितना भाड़ा हुआ? 100 रुपए साहब। ये लो। तुझे घर में नहीं बल्कि शमशान में जाना है। खाओ। खाओ क्या होता है जानता है? जब भैरव गौड़ा पर केस करेगा तू, ये देख, केस खत्म। ए जी, सुनिए। दादाजी, कैसी लग रही हूँ मैं? सोने की गुड़िया जैसी लग रही हो बेटा। वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है ना? मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स दादाजी। तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में तुम्हारी दादी आज मुझे कॉफी देना ही भूल गई बेटा। इन्हें डाइवोर्स दे दीजिए दादाजी, मैं दूसरी ढूंढती हूँ। इनके लिए दूसरी ढूंढेगी? रुक, कहाँ जा रही है? रुक, रुक जा। hey, तुम लोग कौन हो? अंकल, मेरे पिताजी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, मिस्टर वीरांजनेय शास्त्री, यहाँ के राजा गौड़ा। आपको कुछ याद आया? याद आया कि नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जान चाहिए। हाँ? आपने बिल्कुल सही सुना अंकल, आपकी जान चाहिए। अच्छा शास्त्री, बुलेट के बिना गन कैसे चलाएगा शास्त्री? ये ले तेरी बुलेट्स। आज से 25 साल पहले यहाँ 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 गन रखकर मुझे वार्निंग दी थी ना तूने? ये भैरव कभी भी कहीं भी किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है। दादाजी, गोपी ढूंढ उसे, सब तरफ ढूंढो, बचने नहीं चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझसे अगर तू लुका छुपी नहीं खेलती तो इतनी बेरहमी से नहीं मारता। ए गोपे, लाश को छूना या छेड़ना हमारे संस्कारों में नहीं है। समझता क्या है खुद को? ऐसे डांट रहा था जैसे सारी गलती मेरी ही है। अरे रेवन, अगर तू अपने गुस्से पर काबू कर लेता और थोड़ा एडजस्ट कर लेता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भाई ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऐसे ही काम होता है। शूटिंग हो, डबिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, एडिटिंग हो, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या हम पे मेहरबानी कर रहा है? हाँ, क्वालिफिकेशन भी है, टैलेंट भी है, इसलिए सिलेक्ट हुआ। सब तेरे जैसे नहीं होते यार, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, अगर ऐसे कंप्रोमाइज करते रहे ना तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। नहीं होगा मुझसे। क्या नहीं होगा तुझसे? इस जॉब के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता भी है तुझे? अगर इसका ऐसे ही रहा ना तो
जहां पे एडजस्टमेंट ना करना पड़े ऐसी जॉब बताना, मैं खुशी खुशी करूंगा। अरे अरे रेवन, माना गलत हुआ लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ऋषि भैया की तरह तू भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, हर छोटी छोटी बात पर इतना रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। देख ऐसे सिचुएशन में 1 2 3 कहकर गिनती शुरू कर दे, गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। सिर्फ ऐसे गिनती करता रह जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। जो एक्शन का रिएक्शन नहीं दे सकता वो मेरी नजर में कायर है। सही कह रहा है रेवन, लेकिन गुस्सा अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो सही रहेगा। देख लिया हर्ष आ गए ना सड़क पर, है? थोड़ा सॉफ्ट रहे, इतना हार्ड मत बन। ए, जा, चल जा यहाँ से। कैजुअली बोल रहा था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जा यहाँ से। रेवन तेरी मर्जी है भाई, जो मन में आए वो कर, बाय। हेलो लक्ष्मण, दिस इज लक्ष्मणा। हाँ तो क्या है? क्या है? एक्चुअली 10 o'clock को गेट को ताला लग जाना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे इंतजार में मैंने गेट को खुला रख दिया। तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारा वेट तुम्हारे ओनर की बेटी कर रही थी। कम से कम एक बार झूठे मुंह ही थैंक्स बोल देते। गेट खुला रखने के लिए थैंक्स। हेलो लक्ष्मणा, तुम्हारे घर की चाबी मेरे पास है, ये देखो। हाँ क्या माँ अभी तक नहीं आई? आओ बताती हूँ। क्या बात है सोनू, भूल गए हो क्या? ये हफ्ता सासू माँ की नाइट ड्यूटी है ना, अब तो मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। तुम्हें कितनी बार लड़कों से बात करने से मना किया? लेकिन मैं कहाँ लड़कों से बात करी हूँ पापा। तो फिर ये लड़का नहीं लड़की है क्या? हाँ लड़का ही है। चलो अंदर चलो। रुक जाइए, मैं जाकर किस से कराती। किस? थोड़ी देर बात कर ली तो मामला यहाँ तक आ पहुँचा, और मुलाकातें होंगी तो शादी से पहले ही नाती हाथ में दे देगी। बेटी लड़की की जिंदगी खरबूजे के जैसे होती है, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कट्टा खरबूजा ही है। अरे पापा मैंने किस नहीं कहा, कीज, चाबी। तो मैंने इसे किस क्यों समझा? ठीक है जाओ जल्दी देकर आ जाओ। मेरे पापा को समझ में आ गया लेकिन इस गधे को समझ में नहीं आया। ये लो कुछ तो समझा करो। क्या कर रही हो, जल्दी वापस आओ। अरे तुम्हारे घर पर मैंने खाना बनाकर रखा है, तुम्हारे पसंद की बिरयानी है, पेट भर कर खाना। गला घोट दूंगी, नहीं खाया। खा लेगा, पहले तुम चलो। पापा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, थोड़ा सॉफ्टली बात किया। अरे पगली सुन, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ये भी सॉफ्ट ही होता है। रोज एक नई जॉब और ऊपर से रुबाब। चल अंदर। पापा तेरी सुनो ना साहब, जरा सोच के बोलो ना, ये लोग पैसे दे रहे हैं, पापड़ नहीं। ए याकूब, इस सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो हमारे हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ कितना देना होगा? 100 crore। हाँ? 100 crore चाहिए साहब। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ लोगों को उठाने के लिए 100 crore देने ही पड़ते हैं। गॉड साहब। ए याकूब, हमारे साथ ही डील कर ले, कोई और तेरा ये काम कर भी नहीं पाएगा। देखो याकूब साहब, धंधा करना अलग है, गंदगी करना अलग है। या तो 100 crore दे या निकल यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, क्या हुआ, कहीं पर आग लगी है क्या? आग वाग कहीं नहीं लगी, बल्कि 100 crore आने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी 100 crore का सौदा कर रहे हैं। 100 crore? हाँ, पूरे 100 crore। सुनो ना, शादी में तुम्हारे पिताजी ने मेरी 10 acre जमीन दबोच ली थी ना। हाँ? तो अब वो 100 crore आ रहे हैं तो कम से कम वो गोलकुंडा की जमीन हमें क्यों चाहिए, उसकी जमीन उसे लौटा दीजिए, ऐसा कहते। गोलकुंडा हो गया हो तो बाहर। हो गया, इतनी जल्दी हो गया? हो तो तब जाएगा जब मेरा काम हो जाएगा। सुनो ना, पहले तुम कैसी हुआ करती थी, एकदम फ्रूट जूस की तरह सॉफ्ट हुआ करती थी, और अब देखो तो करेले की जूस की तरह कड़वी हो गई हो। और देखो ना, तो? बोतल खाली हो चुकी है, एक दूसरी तो नशा उतर जाएगा। अरे मारती क्यों हो, मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हारे पिताजी से ले लूंगा। शिट यार, लकी और रेवन नजदीक आ रहे हैं, कैसे भी उन्हें अलग करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? कहाँ चले गए दोनों? अभी मेरी आंखों के सामने ही तो थे, क्या ये मेरा भ्रम है? शोना रुक, इधर भी नहीं तो फिर कहाँ होंगे? इंदु के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर, हेड इंजरी हुई है, ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट हुआ था उसे तो ऑपरेट करके निकाल दिया,
वैसे अब तक मैंने जितने ऑपरेशंस किए उनमें कोई फेलियर तो नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में मुझे थोड़ा डर लग रहा है तुलसी। डॉक्टर, इंदू का ठीक होना जरूरी है। इसे होश में आने के बाद ही मेरे डॉक्टर होने का मतलब पता चलेगा। थोड़ी स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी। Sure. If you see any improvement, you just call. Okay, doctor. और 1 hour के बाद वो ड्रिप बदल देना। Fine. Okay? Take care. Yes, doctor. मैडम, बाहर आपका बेटा आया है। ओ, तुम इसका बीपी चेक करो, मैं अभी आती हूँ। राजा माँ। मैडम, मेरा बेटा आया है। आया तो है लेकिन क्या हुआ, अपनी आंखों से ही देख लीजिए। लोगों को खिलौना समझ रखा है क्या? सॉरी भाई। वहाँ हो क्या रहा है? जाकर देख लीजिए। सॉरी सॉरी क्या बोलता है? गलती करके सॉरी बोलता है? सॉरी बोलेगा? सॉरी बोलेगा? क्या कर रहे हो? छोड़ो, सॉरी बोलेगा? ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। यहाँ हुआ क्या, ये ऐसे क्यों कह रहा है? देखिए ना माजी, आपका बेटा कैसे मार रहा है। पर आखिर क्यों? हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच तड़पते अपने बेटे को देखने आई है और ये इनसे रिश्वत मांग रहा है। हाँ मैडम, मैं विजिटिंग आज में अपने बेटे से मिलने आई थी, फिर भी ये मुझसे 500 रुपए रिश्वत मांग रहा था। मैडम, नहीं दिया तो वहीं जाने दे रहा था। मार मत उसे। चल है? चल मेरे साथ। अरे मा, चल कहा अरे मा, मा, आप कुछ नहीं जानती। चल मेरे साथ। ये क्या है बेटा, रोज किसी एक से झगड़ा किए बगैर तुझे नींद नहीं आती है क्या? माँ, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। अगर सभी लोग ऐसे होते तो हमारा देश कब का सुधर जाता। सबको न्याय देने वाला तू कौन होता है? जा, तुम उसे बात मत कर। माँ, माँ, सॉरी माँ। चलो, अरे मंदिर के अंदर जाना है। यहाँ तक आकर अंदर नहीं चलोगे क्या? माँ जी ने तुम्हारे नाम से पूजा करवाने को कहा है, इसलिए पापा को बिना बताए तुम्हारे साथ आ गई। बहुत अच्छी बात है, जाओ पूजा कर लो। अगर लकी किसी को बुलाए तो उसे आना ही पड़ता है। चलो। आई एम सॉरी। हाँ, मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? है, भगवान सत्य है पर तरीका गलत है। मूर्ति की पूजा करने से पुण्य मिले ना मिले, पर ईमानदारी से और सही राह पर चलने पर भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसीलिए तुम्हारी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल आसान हो जाए इसीलिए मैं अंदर जाकर भगवान को 100 रुपए चढ़ा कर आती हूँ। गोपी भाई, तो अब हम लोग मंदिर में चले गया? हम नहीं जाएंगे सांबा, ये भगवान बहुत पावरफुल होते हैं। याकूब अंदर गया है, उसके पीछे एक वजह है। हाँ, और जरा ध्यान देना उस पर, पॉलिटिशियंस भी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ ऋषि, इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो? सर, सेंसेशनल न्यूज है, इमीडिएटली प्रिंट के लिए दे दीजिए। ठीक है, न्यूज क्या है ये बताओ, प्रिंट करवाना है या नहीं ये मैं सोचूं। सर, एक हिंदू मंदिर में एक मुसलमान ने पूजा करवाई है, यही न्यूज है। What? फिर से बोलो। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था सर कि अब तो समझ गए ना सर। सी मिस्टर ऋषि, हमारे पेपर का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, अगर कुछ मुस्लिम लड़कों ने मंदिर में पूजा करवाई है तो उसके बारे में न्यूज देना बेवकूफी होगी। नो सर, आई एम श्योर वो लोग इंडिया के नहीं हो सकते, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। देखो, बिना सबूत के कोर्ट में केस नहीं चलते, उसी तरह बिना किसी सबूत के हम अपने न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? प्लीज सर, बात को मान जाइए, इस न्यूज को प्रिंट करवा ही दीजिए, ये न्यूज पढ़ के लोग जरूर अलर्ट हो जाएंगे, मेरी बात मानिए सर। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट का डर है दिन रात। सेंट्रल से इंटेलिजेंस को मिली है चेतावनी, ऐसा सारे चैनल्स दिन रात शोर मचाते रहते हैं। अब हम अगर अपने पेपर में इस न्यूज को हाईलाइट करेंगे तो जनता लाइटली नहीं लेगी। तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सौंप दो, अच्छी तरह से स्टडी करवा कर सोचता हूँ क्या करना है। सोचने का टाइम नहीं है सर, इमीडिएटली इस न्यूज को प्रिंट करवाइए आप। मिस्टर ऋषि, मैं यहाँ एडिटर हूँ, जेरोक्स मशीन नहीं हूँ, मुझे क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जाइए। आपसे कुछ नहीं होगा सर। काम चोरी करता है तू, जितना सिखा रहा हूँ सीखने का। मैंने कहा छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो इसे? मेरा आदमी है, मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये कौन सी ट्रेनिंग है, मार के ट्रेनिंग दी जाती है? मारा तभी ये लोग सीखेंगे, इस एरिया में किसी से भी पूछ ले सब लोग मुझे अच्छा आदमी बोलते हैं। कौन तुझे अच्छा आदमी बोलता है, तू तो शैतान है, तू मारेगा इसे, मारेगा इसे। छोड़ो मुझे, हाथ मत उठाओ, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बार बार कह रहा हूँ मैं। रुक जा रुक जा रुक जा यार, प्रॉब्लम क्या है भैया? आप इसके बारे में नहीं जानते हो, ये इंसान के रूप में शैतान है। मैं तुझसे पूछ क्या रहा हूँ और तू बता क्या रहा है? मैं बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ भैया, ये ओनर अपने लड़के को ट्रेनिंग दे रहा था और रेवन इससे खामखा लड़ पड़ा, अब इसे कौन समझाए? इंसान में गुस्सा होना जरूरी है, बिना गुस्से की जिंदगी वेस्ट है।
डोंट वरी भाई, तेरे इस गुस्से को आज के लिए शांत कर ले, ठीक है? भैया मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। ओके ओके ओके, छोड़ दे यार, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, छोड़ दे। बाप रे बाप, चलते हैं। दोनों के दोनों एक जैसे। अरे छोड़ दीजिए ना, इसका खून थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा गुस्से में है, तो छोड़ दीजिए, बात बढ़ाने से क्या फायदा। चल आ जा, चलते हैं। इसे छोड़ दे। अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ दे और चलते हैं। बसकर बसकर बसकर, मालूम है तू बहुत गर्म है, चल बाहर चल के थोड़ा सा चिल्ड हो लेते हैं, क्या बोलता है? देख रही हूँ। देखो तो, तुम्हारे भैया के साथ ये भी पागल हो गया है। रोजा रमणी कृष्णा लक्ष्मी कावेरी, कस्टमर आया है, आ जाओ। इनमें से देख ले, सब फ्रेश है। 1 घंटे का 1000, फुल नाइट का 10000, और अगर घर लेकर जाना है तो 5000 एक्स्ट्रा। जिसे चाहे उसे सिलेक्ट कर ले, मुझे छोड़कर। लक्ष्मी क्या? मुझे सिलेक्ट ना करे भगवान। दुर्गा, श्रीदेवी, ओ कावेरी है क्या? बहुत अच्छा सिलेक्शन है, ले जाए इसे। आजा। ऐसे दूर से क्या घूर रहा है तू? देख मेरे टाइम की खोटी मत कर। क्या रे, पहली बार ऐसी जगह आया है? चल आ जा। मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं चुना है। तो फिर तुमको अपनी लाइफ में रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। ये जब तुम अपनी फ्रेंड से कह रही थी, मैंने सुन लिया। ये जान लो कि आज की रात, ये पल तुम्हारा है। तुम जिस तरह रहना चाहती हो रह सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। फील फ्री। और कुछ चाहिए? मुझे एक छोटा सा पैक चाहिए। हर दिन जो भी मर्द मेरे पास आता है, सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचता है। मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं। तुम एक अकेले मर्द हो जिसने आज पहली बार सिर्फ मेरे बारे में सोचा। मैं एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, इसका तुमने मुझे एहसास दिलाया। औरत को देवी समान पवित्र माने जाने वाले हमारे इस खोखले देश में, औरत को देखते ही फिसल जाते हैं। बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, बेटा माँ के साथ अत्याचार ही करते हैं। ए, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ही ये लोग अन्याय करते हैं। इन मर्दों की तो मैं, मर्दों को मैंने गाली दी तो बुरा लग रहा है क्या? हाँ, पर तुम जैसे कुछ अच्छे मर्द भी होते हैं। मेरी जबान इस तरह लड़खड़ा क्यों रही है, यही सोच रहे हो? ऐसा नहीं है, मेरा मन लड़खड़ा रहा है क्योंकि मेरे मन में बहुत दुख है। किसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद दिल खोल कर बात की है। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। हेलो, सुबह हो चुकी है मैडम। कॉफी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। यहाँ पर रहोगी तो भी कोई परेशानी नहीं है। मैं रुकी तो बहुत परेशानी होगी। मुझ जैसी को लाकर घर में रखा है, ऐसा ताना कसेंगे सब लोग। तुमने जो इज्जत दी है वही काफी है। अगर अगला जन्म मिला तो
तुम्हारी बनकर पैदा होना चाहूंगी, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? बाय बाय। एक बार मुझे गले लगाओगे? कौन सा भगवान रे? अल्लाह है या जीसस है या राम है? कौन सा रे हा? कौन सा भगवान है जो मुझे सजा देगा? इस भैरव घोड़ा से भगवान भी डरता है। ऐसा नहीं बोलते साहब, आप कितने लोगों को मार चुके हैं, दुश्मनों को भी खत्म कर दिया, ये गलत है। अब और बेकसूरों की बलि मत चढ़ाओ साहब। ए जावेद, वो बम मस्जिद में नहीं मंदिर में लगा रहे हैं। तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे? साहब, बम मस्जिद में लगाओ या मंदिर में लगाओ, मरने वाला तो इंसान ही होगा ना साहब। अरे मरने वाले हिंदू होंगे। हिंदू नहीं साहब, इंडियंस, हमारे इंडियंस। ये काम मत करो साहब, हमारे भाई लोग मारे जाएंगे। ये सही नहीं है साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा साहब। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, जा रहा हूँ साहब। खुदा हाफिज। हमारी बात नहीं मानेगा? अल्लाहु अकबर। प्यारे लग रहे हो, गाल तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसे हैं। थोड़ी शर्म तो आ रही है मुझे पर, अरे लक्षणा भी कभी शर्माती है? चांस ही नहीं है। ये मुर्गा है या मुर्गी? छोड़ो। वैसे मूवीज में लड़कियों की फिगर दिखाते हैं, लड़कों की फिजिक क्यों नहीं दिखाते? अच्छा अब तुम्हारे साथ क्या करूं? छी। अच्छा अब क्या करूं? मेरे पापा लड़कों से बात करने के लिए मना करते हैं। कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे जिगर वाला पूरे कॉलेज में एक लड़का भी नहीं। बस तुम्हें ही देखने का मन करता है। और क्या बोलूं लक्ष्मणा, तुम भी कुछ बोलो। हो मेरे सोना। क्या कर रही थी और यहाँ क्यों आई हो? चलो उठो। अरे छोड़ो, बाहर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आधी रात को तुम एक लड़की को बाहर भगा रहे हो। चलो, मौसम कितना अच्छा है और तुम भगा रहे हो। गेट आउट, गो अवे। ए लकी, क्या चल रहा है? ए रेवन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे सामने मेरी बेटी का हाथ पकड़ रहा है? अरे अंकल आप सुनिए तो। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ तुम्हें, जान से मारना चाहते उसे। आजकल लड़कियों की इज्जत और उनकी जान की सुरक्षा है ही नहीं इस देश में। अरे तुम जैसे लड़कों की वजह से ही इस देश में निर्भया कानून बनाना पड़ा है। अंकल नाउ दिस इज टू मच। टू नहीं रे, थ्री मच।
क्यों रे, मेरी बेटी को माँ बना के और मुझे ब्लैकमेल करके मेरी सारी जायदाद को हड़पना चाहता है तू? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, सीएम के पास जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, राष्ट्रपति के पास जाऊंगा। मैं मेंटल हूँ, मैं हूँ मेंटल, मगर तू रेपिस्ट है, अंकल, टेररिस्ट है, साइडिस्ट है। बकवास बंद कीजिए। मुझ पर चिल्ला रहा है ये? ए, बाप की वैल्यू तुझे क्या पता? पता नहीं किसकी औलाद है तू। ए रेवन, ये क्या कर रहा है तू? अरे ये रेवन नहीं है, रावणासुर है, लड़कियों की इज्जत लूटने वाला बकासुर है। और कुछ बोला तो मार डालूंगा। देखो क्या कह रहा है ये? हे रेवन, छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं है तुझे। बड़ों की इज्जत सिखाने के लिए इसका कोई बाप भी है क्या? ओके, इतना सब कुछ होने के बाद एक पल भी तुम लोग मेरे घर में नहीं रहोगे। गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात मत कीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, वो तो ऐसे ही कह दिया होगा। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसी की बेटी पागल है जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये अपने घर को क्या ताजमहल समझता है जो हम इससे भीख मांगेंगे यहाँ रहने के लिए? इसीलिए कह रहा हूँ, तुरंत मेरा घर खाली कर दो। गेट आउट। भाई साहब जरा सुनिए, ये तो अभी बच्चा है, जानबूझकर नहीं किया होगा। इसके बदले में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तू कोई बात नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। अरे गलती उसने की है तो माफी आप क्यों मांग रही हैं? ए, अंकल से सॉरी कहो। अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मुझसे बात मत कर। सॉरी। सॉरी कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। तुम क्या देख रहे हो, चलो अंदर, चलो भी। बेटा दिखा, अरे दिखा मुझे, दिखा ना। मुझे बात नहीं करनी आपसे। एक दूंगी लगा के। आजा बैठ, आजा ना, आजा बैठ जा। तू ही सोच, आधी रात को अगर कोई किसी की बेटी से बात करेगा तो कौन सा बाप चुप रहेगा? मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने बेवजह मुझे सॉरी बोलने के लिए कहा। इसमें तेरी गलती नहीं है, जानती हूँ, और किसी और की गलती पर भी तू खामोश नहीं रहेगा, ये भी मैं जानती हूँ। आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी ऐसा किया आपने? क्योंकि उस वक्त तू बहुत गुस्से में था। गुस्से में हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें जानना चाहिए। घर के ओनर को, वार्ड बॉय को, इसको उसको, इन सबको मारना फिजूल है। तेरे गुस्से का एक मतलब होना चाहिए। आने वाले गुस्से को एक रूप देकर उसका सही इस्तेमाल किया तो इस समाज में हो रहे जुल्मों को हम रोक सकते हैं। इस उम्र में ऐसा खास हुनर सब लड़कों में नहीं होता है, पर मेरे बेटे में है। फ्रस्ट्रेशन, असंतुष्टि, इस समाज की असंतुष्टि, व्यवस्था पर असंतुष्टि। तुम्हारी असंतुष्टि को गुस्से से जोड़कर, उससे औजार बनाकर और सोच को तीर बनाकर निशाना लगाओ। 10 लोगों को मदद करने जैसी सोच पैदा करो, उस पर निशाना लगाओ। अब तुझे एक लक्ष्य की जरूरत है, और वो लक्ष्य क्या है वो मैं तुझे बताती हूँ। आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी माँ, मैं इसे जरूर करूंगा, लेकिन यहां रहकर यह बहुत मुश्किल है, मुझे यहां से जाना होगा। मतलब घर छोड़कर जाएगा तू? माँ, सिर्फ मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं, आपको छोड़कर नहीं। माँ, आप ही मेरी सब कुछ हो। तू मेरी जान है बेटा, बस ये याद रखना। अरे मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ, थोड़ा मुझे हटा, जा यहाँ से। तू मेरी हर चीज से परेशानी है, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, निकल जा यहाँ से, जा यहाँ से। ए, कौन है तू? इस एरिया का दादा हूँ, गंगू, गंगू भाई। अरे तुझे इधर नहीं देखा? नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर नहीं आता। तू करता क्या जो नहीं दिखता है? दिखाई नहीं देता, मसल्स मसल्स बनाता रहता हूँ मैं, 24 आवर्स जिम, तभी हूँ इतना स्लिम। अच्छा, अब तू मेरा क्या करेगा दुबला, बता। दुबला दुबला कहेगा तो तेरे टकले पे तबला बजाऊंगा। अच्छा, पतले से दिखने वाले करंट के वायर को और इस दुबले बाहुबली गंगू भाई को कम मत समझना, मारे जाओगे,
बहुत पछताओगे। इस चाकू से मारेगा तू। मैं बताती हूँ। इधर आ। जिम जाता है। ये ले। मेरा पति मुझे मारे या कुछ भी करे, तू पूछने वाला कौन होता है? बीच में पड़ने वाला तू कौन है? जान से मार दूंगी मैं तुझे। मेरे पति पर हाथ उठाएगा? जिस आदमी को मैं मारना चाहता हूँ उसे तू मारेगी? किसी भी तरह से उसे छूना चाहती है? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? इंसान हो या जानवर? मैं इंसान नहीं हूँ, जानवर हूँ मैं। ये मेरी बीवी है, बीवी जो मन में आएगा करूंगा। तू इसकी ओर देख क्या रहा है? तेरी तो मैं बैंड बजा कर रख दूंगा। देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तू ऐसे बन ठन के निकलेगी ना तो सब ऐसे ही देखते रहेंगे। ये भी देख रहा, तुझे देख रहा है? इनकी तो आदत है ऐसे बात करने की। आप चले जाइए। तो बहाना ढूंढ लड़कों को टच कर। हीरो है, हीरो हीरोइन है, सलमान खान है, कटरीना है। ऊपर एक बढ़िया फिल्म बनाता हूं, चला इधर। भाई कुछ है तो देना। क्या खड़ा होके देख रहा है? निकलो। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? अरे मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, कुछ काम है तो वो भी बता दे। जो काम बोलूंगा वो करोगे? तू बोल के देख, मैं करके बताता हूँ। अरे सोच कर रहा है, एक मिनट में कर दूंगा। मिनट में नहीं, सेकंड में करना। श्योर। या इस पत्थर को फेंकता हूँ, 45 सेकंड्स में लेकर आ। ओके या ओके भाई, देखो 20 सेकंड में ले आया, बाकी के 25 सेकंड में क्या करना है या तो वो बताओ या फिर पैसे दो भैया। वहाँ पीछे एक टकला दिखाई दे रहा है। अच्छा वो टकला? हाँ भाई। ये पत्थर ले, उसका सर फोड़ दे 15 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड बाकी। अरे सिर्फ 5 सेकंड है भाई। भाई ₹500 देता हूँ, इसे रख ले और साथ में मेरा नंबर भी। बाहर इतने लोगों की जान चली गई और आप यहां सूट बूट पहनकर इंग्लिश न्यूज़पेपर हाथ में लेकर बेकार की न्यूज पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? जरा इसे देखिए, कितने लोग मारे गए हैं, खुद देख लीजिए। तो इसमें मैं क्या करूं ऋषि? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लोगों को अपने अखबार पर कितना भरोसा आप अच्छी तरह जानते हैं सर। कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि ये न्यूज छापनी बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपके केयरलेसनेस की वजह से उन सब लोगों की जान चली गई। उन लोगों को मैंने जान से मारा है क्या? ऐसे बातें कर रहे हो जैसे इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब मुझे सब समझ में आ रहा है सर कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? ब्लास्टिंग वाली जगह पे उस दिन भैरव गौड़ा बहुत बड़ा जुलूस लेकर गया था। उस दिन ना तो कोई त्योहार था, ना किसी का बर्थडे था, और ना ही कोई शादी का दिन था, और ना ही कोई राजनीतिक सभा थी। फिर भी पूरे बंदोबस्त के साथ वो जुलूस निकाला गया। आप अभी मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर? आप इतने बेफिक्र कैसे बैठे हैं? आपका चेहरा कुछ बता रहा है, उस ब्लास्टिंग में कहीं आपका भी हाथ तो नहीं है, ऐसा शक मुझे हो रहा है। Shut up! What are you talking? मुझे उनके साथ मत जोड़ो। Yes! जिसने ब्लास्ट करवाया आपने उसके साथ हाथ मिला रखा है। वाह! शाबाश यार ऋषि, अच्छी तरह से पहचान लिया। तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ऊपर की पोस्ट पे होना चाहिए। अरे क्या एडिटर भाई, ऐसा बंदा तुम्हारे पास है कभी बताया ही नहीं। वो मेरा अखबार इन्हीं की वजह से इस मुकाम पर है, अगर इसे कुछ हुआ तो मेरा अखबार बंद हो जाएगा। अच्छा अभी भी नहीं छोड़ने वाले क्या एडिटर जी? वैसे भी इसकी लाई हुई न्यूज को तो अभी तक तूने छापा नहीं है, अब तेरे न्यूज पेपर को हाई लेवल पे ले जाने के लिए एक न्यूज दूं। इस बार इस खबर को छापेगा क्या? हा? कैसी न्यूज? वही, कल इसकी श्रद्धांजलि बनेगी तेरे अखबार की हेडलाइंस। Thank you.
सबकी परेशानी को अपना समझते थे तेरी तरह। अब क्या हुआ? मार दिया इन्हें, मेरा भी से मार दिया। ए, कंट्रोल कर यार, प्लीज राम, प्लीज राम, प्लीज। तुझे भी मार देंगे वो लोग। यार ये तू क्या कह रहा है? कितनी कितनी बार मना किया इन्हें पर नहीं माने। तुझे कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा। अभी हम सबको रात बना कर चले गए ना, तुझे देखकर मुझे भैया की याद आती है। प्लीज राम, तू भी मर जाएगा यार, बदल जा, प्लीज प्लीज बदल जा, प्लीज जा यहां से। उस ऋषि की मौत के बाद इस पूरे शहर में कोई भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जी 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 जी, ये कैसा फिल्मी डायलॉग आप बोल रहे हैं? आप पर बिल्कुल कर रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उनकी तो यही आदत है। आप आरती लीजिए। नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वेलकम मिस्टर एसीपी रणधीर। मेरी ज्वाइनिंग से पहले ही तुम लोगों ने मेरी पूरी जानकारी हासिल कर ली है। तुम्हारा बैकग्राउंड मैं 5 मिनट पहले ही जान चुका हूँ। गुड, वेरी गुड। मैंने भी तुम्हारे बारे में 5 दिन पहले ही सारी जानकारी हासिल की और फिर यहाँ ट्रांसफर लेकर आया हूँ। तुम्हारा बैकग्राउंड, फ्रंट ग्राउंड सब बताऊं क्या? मैडम जी, ये लड़का जो है ना भूपेश, ये लड़कियों का बहुत बड़ा दीवाना है। और ये भाई भद्रा, मर्डर करने का मजा लेता है। ये सुड़ी गाली है, टॉकी, ये आगराज, गूंगा, इन दोनों का प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता है। सांबा, कपाली, सुपारी, यादगिरी, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ये और बताऊं? हाँ, सामने से हटो। ये है राज गौड़ा, इस शकुनी को जन्म देने वाले एक जमाने के महान विलेन राजनाथ। मैडम जी, आपका नाम वसंता है लेकिन मैं जानता हूँ इस घर में आपके जीवन में कभी वसंत नहीं आया। इन्होंने 100 मर्डर करके सेंचुरी हासिल कर ली है मगर आज तक कोर्ट की दहलीज पर पाँव नहीं रखा, बेल की शक्ल तक नहीं देखी। कानून को अपना बाप समझकर रखने वाले हैं ये एल के बाल। hey! बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, मुंह बंद करके रखो बच्चे। मैडम जी, आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? ये डीलिंग्स वगैरह बंद कर दे, नहीं तो इस घर की शांति बनी रहेगी ऐसा नहीं लगता है मुझे। ए, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है बे। कूल, इंटरवल के टाइम में ओनली इंट्रोडक्शन, नो एक्शन। मैडम जी, ये सिर्फ इनकी ही समस्या नहीं है, इसकी भी समस्या है, जरा समझाइए आप इसे। मैं थोड़ा सा मेंटल हूं, सेंटिमेंट्स नहीं है मुझ में।
फिर मिलता हूँ। ये क्या हो रहा है? पहली बार हमारे घर में पुलिस वाले ने कदम रखा और आपको वार्निंग देकर चला गया। कुछ तो गलत हो रहा है। ये ऐसे हंस क्यों रहे हो? उस पुलिस वाले की वजह से यहाँ पर सबका दिमाग खराब हो गया है। जरा उधर तो देखो एक बार, तुम्हारे दादाजी को ऐसा लगता है कि मिर्गी का दौरा आ जाएगा। बहुत बोलिए, छोड़िए पिताजी। उस पुलिस वाले ने कहा आप बहुत सालों से गुंडागर्दी करते आ रहे हैं, अब इस उम्र में क्या ये सब जरूरी है? इनकी उम्र कितनी है ये हम जानते हैं, लेकिन तलवार जितनी पुरानी होती है ना, उसकी धार उतनी तेज होती है। अगर उसका इस्तेमाल ना करो तो उसमें जंग लग जाती है। मुझे मारोगे क्या? छोड़ दे इसे, इसने पी रखी है। उससे क्या होता है, मैं अगर पूरी बोतल भी पी जाऊँ ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और तू रे, तुझे तो दाढ़ी बनाना तक नहीं आता है और इतनी बड़ी तलवार लेकर के पोज दे रहा है। बसंता, अगर महीने में मैं चार लोगों को ना मारूं तो वहाँ बाहर बैठा हुआ कोई भी आम इंसान मुझसे नहीं डरेगा। सही कहा आपने, घर के बाहर गीला कर देगा। पिताजी की बेइज्जती करने वाला अभी तक कोई जिंदा नहीं बचा है। वो चाहे ये रणधीर हो या किसी राज्य का राजा ही क्यों ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो। नहीं छोड़ेंगे कह रहे हो ऐसे जैसे कि वो कैटरीना है, तलवार है। तलवार से मजाक किया तो कट जाएगा गला। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, पहले से मारो। तू क्या बार बार मेरा हाथ पकड़ता है, मुझे पता है तू कुछ नहीं कर सकता है। एक काम करो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, मरने वाले हैं वो। दादाजी ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ये बुड्ढा मरना चाहता है और ये उसे बचाना चाह रहे हैं। जल्दी करो, जमाना खराब है, मौसम में ठंडक है, थोड़ी गर्मी अंदर लेता हूँ। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? इंदु, बात करो इंदु। इंदु कुछ बोलो। उस तरफ क्या देख रही हो? कुछ बोलो इंदु। नहीं तुलसी, ये इतना आसान नहीं है, इसके बेटर होने के चांसेस बहुत कम है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इंदु बेचारी अनाथ होकर यहाँ भर्ती हुई है, किसी न किसी दिन इसे सब याद आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है डॉक्टर। सुनो तुलसी, इस लड़की की याददाश्त आना सिर्फ इसके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी जरूरी है। पर क्या करूं मैं, इस पर किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा। डॉक्टर, बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो तुलसी। इस लड़की के ऊपर आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं डॉक्टर? हर पेशेंट का ख्याल रखना हर डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है, लेकिन ये सिर्फ मेरी पेशेंट नहीं है, ये मेरी बच्ची, मेरी भांजी है, मेरी दीदी की बेटी। बहुत खुश मिजाज थी, आज मैं इसे इस तरह खामोश नहीं देख पा रहा। जब ये मुझे मिली ये अनाथ हो चुकी थी, पता नहीं किसने इस पर गुस्सा अपना गुबार निकाला, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मुझे ये ऐसी हालत में मिली थी, मेरे अलावा इसका और कोई है ही नहीं। ऐसे हालात में इंदु का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तुलसी। अब से इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। हो गया? तूने किसी को देखा है क्या? किसको देखा? सुनो भैया, इसने क्या देखा, चलकर देखते हैं। तो यार रुके क्यों है? चलो ले चलो। हाँ चलो चलो। क्या हुआ? क्या देखा ठीक से बताना। बात क्या है? अरे पागल है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, आईसीयू कहाँ है? उस तरफ जाइए। hey!
गधा। बकवास। पागल कर देगा। संभल के रेवन। ठीक है माँ। मैं हूँ ना माँ जी, डोंट यू वरी। अब ये कौन है माँ जी? आप मुझे नहीं जानती क्या? चिट्टी। और लोग मुझे जेट स्पीड चिट्टी कहते हैं। आजकल मैं भाई के साथ रहता हूँ। ठीक है, संभल कर। चलो भाई, चलो चलते हैं। चलो ए भरत, ए रुक जा यार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या कह रहा है? अच्छा इस तरफ आके बोलता हूँ, कहाँ जा रहा है बता के तो जा। कहाँ जा रहा हूँ ये पूछ रहा है? यही पूछ रहा हूँ। मेरा कान तेरा हाथ तोड़ने वाले और मेरी फैमिली को मारने वाले को मारने जा रहा हूँ। ए उस ब्लास्ट को होके एक हफ्ता हो चुका है, वो हमारे लिए इंतजार करता होगा क्या? वो तो कब का देश से बाहर भाग गया होगा। भाग गया होगा? उन्हें कहीं भी जाने दो, किसी भी देश में जाने दो, उन लोगों को क्यू में खड़ा करके शूट कर दूंगा मैं। ए क्यू में खड़ा करके शूट करने के लिए वो कोई आइसक्रीम वाला नहीं है समझा, वो एक आतंकवादी है। तो क्या वो लोग खाना नहीं खाते, सांस नहीं लेते, टॉयलेट नहीं जाते, इंसान नहीं है क्या? इंसान है यार, लेकिन इंसान के रूप में राक्षस है। उनसे अगर हमने पंगा लिया तो हम जीते जी मारे जाएंगे। मैं अभी अभी मौत को चुनौती देकर आया हूँ, मौत का मुझे खौफ नहीं। अगर वो लोग जिहाद करेंगे तो मैं जय हिंद करूंगा। मैं भी तैयार हूँ। कौन हो तुम लोग? तुम्हारे उम्मीदों का औजार, तुम्हारे गुस्से की आवाज। समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए मैं एक ट्रस्ट खोल रहा हूं, अगर मुझ पे भरोसा है तो साथ दो। संभाल कर लाओ रे। हाँ अंदर ले आओ, आराम से लेकर आओ। हाँ लो। डॉक्टर की वजह से पापा जिंदा है यही कहना चाहता है क्या? मैं समझ गया इसकी बात। हमारे दादाजी जिंदा हैं उस डॉक्टर की वजह से नहीं, हम सबकी दुआओं की वजह से। क्यों, सही कहा ना? ए गुंगे, क्या बोल रहा तू? ए अपनी बकवास बंद कर तू। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ खड़े लोगों को जो बात पता नहीं है ना, वो बात इसे पता है। सही कहा ना? इधर आ, इधर आ, इधर आ। हॉस्पिटल में तुमने कुछ देखा क्या? हॉस्पिटल में भाई ने मारा तो बुरा लगा क्या? अरे बुरा क्यों लगेगा, इसे देवकुकों की तरह बात कर रहे हो तुम। क्या कह रहा है देश? ए, चुप रह। ये कुछ मांग रहा है, तुम्हें पेन और पेपर चाहिए? ए, पेन पेपर ला करके दे इसे। ये क्या ड्राइंग बना रहा है? ये तो किसकी तस्वीर बना रहा है? पुलिस वाले? क्या बात है, ये सब मर्डर करने वालों में ये आर्टिस्ट कहां से निकल के आ गया? ये किसकी ड्राइंग है? वीरंजन स्वामी, वीरंजन शास्त्री। वो लड़की अभी तक जिंदा है, कैसे बच गई वो? तेरे हाथों में ताकत वाकत तो है नहीं, उसे मारेगा तो वो कैसे मरेगी? कब देखा, कहां देखा? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में देखा क्या? हॉस्पिटल में देखा? हॉस्पिटल में। क्यों बार बार ये टीवी सीरियल की तरह से बता रहे हो? इसने जो कुछ भी देखा वो बना दिया, हॉस्पिटल ही तो है। अगर उसे खत्म करते हैं। चलो चलते हैं, चलो। वीरंजन शास्त्री, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? बॉटल खाली हो गई है, मुझे 100 रुपए देना है। आप देंगे क्या? ये दूं क्या? नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए, रहने। व्हाट, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूं? तुम क्या बदलाव लाओगे? पहले अपनी टीम को देखो, पहले तो इन्हें ही बदलने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है भाई? ये उन लोगों की टीम है जिन्होंने चोट खाई है। हे, हमें साथ लड़ना होगा। देख रेवन, जो तू करना चाहता है वो अच्छा है, और राम भैया ने भी तो ऐसी कोशिश की थी ना, क्या हुआ उनका? मार डाला उन्हें। ये मिलिट्री से रिटायर्ड है,
ये भी बदलाव लाना चाहते थे, क्या हुआ? किसी ना किसी दिन तेरा भी यही हाल होगा। गलत गलत बात कर रहा है तू। गलत को सही किया तो ही अपनी जान बचेगी, वरना कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे भैया ने सच्चाई की राह पर चलकर अपनी जान दे दी और वो बिल्कुल सही थे। ऐसा नहीं है राम, तू ही देख लेना इसके दोस्त कैसे कैसे, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी को सुनाई नहीं देता। आ? ये लड़की तो पागल है और ये बदतमीज। बदतमीज मत बोलना, मैं जिद्दी हूँ, जेट स्पीड चिट्टी, और कोई भी काम एक मिनट पे नहीं बल्कि सेकंड में कर देता हूँ। तू चुप कर यार। देख ले, इनके साथ रखे हम क्या कर लेंगे? अगर हाथ से हाथ मिलेंगे तो ही ताकत बनेगा। अकेले लड़ने वाले योद्धा के साथ अगर कई हाथ मिल जाएं, तो उसकी जीत पक्की है। अपने फ्यूचर के लिए तो इस युद्ध में इसकी मदद नहीं कर सकता। लाखों रुपए का नुकसान हो जाए तो चलेगा, पर इसका लक्ष्य मिलना चाहिए। मेरे भैया ने अपनी डायरी में इसके बारे में हर दिन हर एक पेज पर लिखा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम सब तैयार हो? लेकिन आप लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम जैसों को ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ती है, पर हमें ऑपरेशन करना हो तो ओपन थिएटर ही काफी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी जान। हा? तुम्हारी जान कहाँ है बस ये बता दो, उसे लेकर हम चले जाएंगे। मतलब? मतलब वो तुम्हारी प्यारी सी भांजी कहाँ पर है जल्दी से बता दो डॉक्टर। चल जल्दी बता, तेरी भांजी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। अबे डॉक्टर, हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले तू। परीक्षा लेना तो मेरा काम है। ए, जान लेना हमारा काम है। तू अपनी भांजी की जान बचाने के लिए अपने बीवी और बच्चे सबकी जान खतरे में डाल रहा है। ए डॉक्टर सारंगपानी, तेरी पूरी फैमिली फिनिश हो जाएगी। फिनिश? मैं जानता हूँ, अच्छे लोगों को मारने के लिए आजकल बुरे लोगों की तादाद बहुत बढ़ रही है, इसीलिए मैंने शादी ही नहीं की। मैं एक बैचलर हूँ, ऊपर भी सिंगल ही जाऊंगा। देख क्या रहे हो, चलो मार डालो मुझे, मारो मारो भी। सुन भैरव गौड़ा, मेरी भांजी जिंदा है और उसे मैंने ही छुपा कर रखा है, लेकिन वो कहाँ है? You can do it. Come on. निशाना लगाओ। इतना डर क्यों रहा है यार? मुझसे नहीं होगा यार। Come on. तू कोशिश कर। ये अंदर से बहुत डरा हुआ है। तू ट्राई कर। No. You can't. कीबोर्ड प्रेस करने वाले को ट्रिगर दबाने के लिए कह रहे हो? अरे यार ये सब सीखने के लिए मिनिमम 1 ईयर लगेगा। 1 साल? ये गन हम सब के लिए नहीं है, लेकिन इसे बिना सीखे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब आप ही कोई राह दिखाओ मास्टर। ए, इधर आओ मास्टर। ये लो, देखो इसको अगर ऐसे मारो तो सर फूट जाएगा, और इसे ऐसे घुमा कर मारा तो भी सर फूट जाएगा। ये लो। मना करने के बाद भी मेरे हाथ में थमा रहे हो? ये देखो, ये सिर्फ रॉड नहीं है, इसे हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। इससे अगर जोर से वार किया तो क्या होगा? रॉड से मारा तो भी नहीं मरेगा मास्टर। मरेगा तो नहीं, लेकिन कोमा में जरूर चला जाएगा। तुम देख क्या रहे हो, गन से ट्राई करो, टारगेट पर एम करो। गन उठाओ। हर बार मैं ही गन पकड़ूंगा क्या? वो देखो, उस पागल लड़की के पास गन पड़ी है, वो भी तो हमारे टीम की एक मेंबर है ना। वो कुछ नहीं कर सकती तो हमारे टीम में क्यों है? इसे भी ट्रेनिंग दे दो ना मास्टर। రుధిరం రాసే చరితే చూసే ఖడ్గమిదే, సమరం చేసేది సనిర్దేశం మళ్ళీ
ये 9mm का पिस्टल है, ये चाकू जयपुर मेड है, ये वेपन जर्मनी का है, वो बड़ी तलवार लोकल है। तुम सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में नहीं जानते हो ना रेवन, इस ट्रेनिंग में इन लोगों को सबसे पहले हिम्मत से रहना सिखाओ। रेवन, इन सब का तुम वेपन्स की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसका लक्ष्य? हम सबका लक्ष्य। भूपी, राका, ए, कहां मर गए सबके सब? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इतने आदमी चाहिए? इन्हें कौन सी गाथा बतानी है? ओ, इधर इधर की गाथा नहीं बतानी है, उस डॉक्टर की गाथा है। उस डॉक्टर के केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तेरे बाप को वार्निंग देने के लिए आया हूँ। ए एसीपी, उस डॉक्टर का मर्डर मैंने किया, इसका क्या प्रूफ है तेरे पास? असल में बिना किसी प्रूफ के तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। कभी न कभी कुछ गलत तो जरूर करोगे और मेरे हाथ में आओगे। उस दिन तुम्हारे बोन्स के सारे कैल्शियम निकाल दूंगा। हे गौड़ा, मैं सबूत लेकर आऊंगा, तेरे हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, जेल का खाना खिलाऊंगा। याद रखना, गेट रेडी। मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, रोकड़े की जरूरत ही किसे है? ये तेरी गले की चेन भी चलेगी, ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। नहीं भाई, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया है भाई। चाहे माँ दे या फिर बहन दे, सोने की जो कीमत होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे भटका रहे हो? सारे लड़के और ऐसे लोग पहले से भटके हुए होते हैं। मैं तो सिर्फ ये ड्रग्स देकर उनकी जिंदगी को हसीन बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम चाहो तो इस सैंपल को ले सकती हो, ले लो ना, भरोसा करो, बहुत मजा आएगा। ए! इससे तमीज से बात करो। तुझे तमीज सिखाऊं क्या? रुक जा रुक जा, मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुझे उसका सामना करना पड़ेगा। यस, इट्स मी चिट्टी, जेट स्पीड चिट्टी। लुक है ब्लैक और जब हाथ पड़े तो माइंड ब्लैंक। ए, मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुझे उसका सामना करना पड़ेगा। ए खजूर, मार खाने के लिए कंपटीशन कर रहे है क्या? मुझे जानता है, गोली शिवम, मेरा हाथ उठता है ना तो लाशें बिछ जाती हैं। ए गोली, गलत बोल रहे हो तुम, मेरे साथी को छूने के लिए तुम्हारे पास जिगर होना चाहिए। ए, मुझ में कितना जिगर है देखने के लिए, तुझ में दम है क्या? कॉलेज कैंपस में ड्रग बेचना कितनी गलत बात है, गलत काम को गलत कहने में हमें डर नहीं लगता। अगर इस रेवन ने हाँ बोला तो तुम और तुम्हारे चमचे खत्म। चलो आउट। ड्रग्स बेचते हैं हम, डायलॉग सुनने की आदत नहीं है, ओनली एक्शन। चिट्टे, मेरे पास हथियार नहीं है तो क्या हुआ? यही मेरा हथियार है। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, अगर आगे से इस तरह का इलीगल काम किया तो लीगली जीने का हक खो दोगे तुम लोग। चलो। इसने दिमाग खा लिया है, जानते हो, असेंबली के सामने खड़ा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, ये सब आखिर बात क्या है? ये जगह खाली करनी पड़ेगी। दिस इज माई प्लेस, मैं इसे खाली क्यों करूंगा? वो इसलिए क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा है, सिर्फ इस जगह को छोड़कर। तो क्या? ए, मीटिंग मत कर, सीधा सिग्नेचर कर। जोक कर रहे हो? तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है, रस्ते पे खड़ा भाड़े का टट्टू? लंदन गणेश, लंदन से आया हूँ, लंदन गणेश। लंदन से आया तो क्या तेरे पेट में छुरी नहीं घुसेगी या सर में गोली नहीं जाएगी?
है? तुम लोग नरसिंह यादव को जानते हो? अरे बेचारा, ये भी पकाती है। हेलो, हाँ हुसैन सागर में मछलियां पकड़ रहा हूँ, अरे संभालो ना इसे। हाँ। क्या कहा? नरसिंह यादव, ये ले मेरा फोन। उसे फोन लगा। हेलो नरसिंह भाई। नरसिंह भाई को आज किसी ने मार डाला, हम उनके अंतिम संस्कार। मेरा इतना दिमाग खाती है फिर भी चिकन की डिमांड? एक काम कर, इंसान का मांस भिजवा दूं, वो खा लेना। एक काम कर, फोन रखा, इतना अर्जेंट काम कर रहा हूं और बीच में फोन करती है। ये कम थे कि ये भी जुड़ गया। हम लोग पंचभूत हैं, वो नरसिंह क्या है हमारे सामने? छोटा बच्चा है वो। ए, सेटलमेंट हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, न जान लेना कोई नई बात है। सिग्नेचर कर। ऐसी धमकियां मैंने बहुत देखी हैं। बेटे फिल्मों में देखा होगा, अगर तूने अभी दस्तखत नहीं किया ना तो लाइव देखोगे तुम। मैं यहाँ तुम्हारे डायलॉग सुनने नहीं आया हूँ, ये सब किसी और के सामने करना। लाइव में बात करने जा रहा हूँ। ए, मर गया क्या रही है? सिर पर चोट आई है। अरे पूछना चाहिए था मारने से पहले। अब सिग्नेचर कैसे कराएंगे? ए, उठाओ उसे, होश में लाओ उसे जल्दी। ए, अरे उससे तेरे भरोसे तो मैं राजनीति में आया हूँ। धंधा करना और धमकियां देकर जीना चाहता था, लेकिन उधर कोई वहाँ मेरे राज की पुंगी बजा रहा है। क्या हुआ भाई? अरे अपने गोली शिवा की किसी ने जमकर पिटाई की है। किसने? एसीपी ने क्या? हाँ उस एसीपी ने अपने सारे आदमियों को अंदर डाल दिया है। उन गधों को जो ठुकाई मिली है, इन गधों को अगर मिली होती ना तो आज फिर पीने का मजा आ जाता, बहुत मजा आता। ए, उसने सिग्नेचर किया क्या? हाँ कर दिया भाई। इसका हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया भाई। अरे भाई लेकिन मुझे इसका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। एक काम कर, सर अलग रख ले। कहने पर इसने दस्तखत तो कर दिया ना, तो फिर इसे क्यों मार रहे हो? सच क्या है बताओ, सच क्या है? मुझे आंसर चाहिए। ये ड्रग रैकेट कितने दिनों से चल रहा है? तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? मैं साइलेंस और वायलेंस दोनों पसंद करता हूँ, पर बैलेंस भूल कर न्यूसेंस की तरह बिहेव करने वाले तुम जैसे युवाओं से नफरत करता हूँ। उस भैरव गौड़ा के चमचे होना। भैरव गौड़ा कौन है? हम नहीं जानते सर। अच्छा, भैरव गौड़ा कौन है नहीं जानते? नहीं जानते। एमएलए एसएस नंदा को जानते हो? नहीं जानता सर। Hey, 24 घंटे का टाइम देता हूँ, बता देना सच क्या है, बता देना, और कहानी नहीं सच्चाई। हेलो हेलो, ए हुस्न की फुलझड़ी, तेरा दीवाना हो गया हूँ। पीछा कर रहा हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? देखना बंद करो और रुक जाओ, बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। तुम चाहोगी तो लिफ्ट दे दूंगा, लिफ्ट के साथ साथ गिफ्ट भी दे दूंगा। चलूंगी, लेकिन 3 दिन का टाइम दोगे क्या? क्यों? लेडीज की प्रॉब्लम समझो ना। वाह, खूबसूरती के साथ तुम्हारी बातें भी बहुत प्यारी है। तुम मुझे स्वर्ग दिखाओगी ना? कन्फर्म, 3 दिन के बाद तुम सीधा स्वर्ग चले जाओगे। बहुत खूब। क्या बात है सांबा, बहुत खूब, फिगर ही फिगर मिल रही है। पर मैं इतनी सच धज कर आई हूँ और तुम कुछ कर नहीं रहे, क्या हुआ? ओहो, उस दिन तो बड़े मर्द बन रहे थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही तुम तो बेहोश हो गए। ओ, हेल्प चाहिए तुम्हें? लो, तुम चाहते हो तो मैं अटेम्प्ट करूं, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तुझमें दम है कि नहीं? क्यों बे,
बहुत हिम्मत है ना तुझमें, तो आज वो हिम्मत कहाँ गई? मुझे क्या कह रहा था? फूल कह रहा था और खुद ही मुरझा गया। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? राह में चलती हर लड़की तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो चाहे करोगे। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। रेवन, इन सब ने इसे मारा है, लेकिन तुम्हारी एक ही मार से इसे स्वर्ग और नर्क दोनों दिखने चाहिए। मारो। छी। इसे स्वर्ग देखने का बड़ा शौक है, भेज दो इसे। बाप रे, अरे डाइटिंग करके मर सकता था ना, मरने से पहले इतना क्यों खाए रे? रेवन, इस काम के राक्षस का काम दहन कर दो, सबके सामने इसे जलाओ। चिट्टे, हाय, पेट्रोल। वन मिनट। लड़कियों को बुरी नजर से देखने का अंजाम क्या होता है, ये हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। माचिस। तू माचिस लाना कैसे भूल सकता है यार? Idiot. अरे इसे मारने की मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं मैचबॉक्स लाने ही भूल गया भाई। मैं कुछ मदद करूं? अच्छी कुटाई की है इसकी, लगता है मर गया। हत्या के आरोप में तुम सबको अंदर कर दूंगा ना तो कम से कम 7 साल के लिए तो जाओगे श्री कृष्ण के जन्म स्थान। एक हैवान को मारा तो आप हमें सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे हैं? 197 मर्डर करने वाले भैरव को उसी कृष्ण जन्म स्थान पर भेजने की हिम्मत है? जस्ट वन डे, सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए। हो पाएगा? कैसे हो पाएगा, क्योंकि उस भैरव को अरेस्ट करने के लिए आपके पुलिस में दम ही नहीं है। टाइम ज्यादा होगा तो बॉडी से स्मेल आएगी। बॉडी के राख होने से पहले अपना फ्लैशबैक बताओ। ए गोपी, तुझे क्या हो गया यार? गोपी, क्या हो गया? इस तरह से बौखलाया क्यों है तू? सांबा को किसी ने मार दिया, किसी ने मार दिया उसे। सांबा मारा गया? किसने मारा होगा उसे? अगर पता होता तो ये यहाँ पर क्यों होता? उसे मारकर यहाँ पर जश्न मना रहा होता। पर आखिर वो मरा कैसे? औरत और नशे से दूर रहने के लिए समझाया था मैंने उसे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ था। अपनी बात मानता तो वो मरता नहीं आज। ये सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। अब तुझे क्या हुआ गोपी, क्या हुआ? आज तक जो सबको रुलाता आया है वो आज खुद ही रो रहा है। क्यों, क्या हो गया? हमारा सांबा मारा गया, जानते हो क्या? ओ अच्छा बेटा गोपेश, उस सांबा की हत्या किसने की है ये पता नहीं चल रहा है। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है। सेम जिस तरह से तुम्हारा बाप हत्या करवाता था, उस गोपी शिवा के गैंग को भी इसी तरह मारा था। वो ऐसे नहीं मरा, तुमने मारा है। उस सांबा को मारने वाले भी तुम हो, ये बात मैं जानता हूँ मिस्टर रणधीर। डॉक्टर सारंग पानी, रिपोर्टर ऋषि, हैदराबाद बैंक मैनेजर, इन सब की मौत के पीछे और उसके पहले सिटी में होने वाले ब्लास्ट की वजह तुम ही हो, ये मैं भी जानता हूँ। ये सब मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, कि मैं ये कबूल कर लूं। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? कंप्लेंट की गई है इसीलिए अरेस्ट वारंट साथ लेकर आया हूँ। तू इनका अरेस्ट वारंट लाया है? जी मैडम, आपके पति के गुनाहों को एक व्यक्ति ने देखा है और उसी ने आगे बढ़कर कंप्लेंट की है।
एफआईआर रेडी हो चुका है, अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। आज आपके पति कोर्ट की सीढ़ी चढ़ेंगे। निशाना चूका नहीं मेरा, छोड़ दिया तुझे, वरना तेरा भेजा कब का ब्लास्ट हो जाता। भैरव गौड़ा चलो। उन्हें अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, उन्हें छुड़ा कर लेकर आओ। ए, जाओ। अरे बाप रे, ए रणधीर, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने वाले को ढूंढो और उसे मार डालो। एसीपी, क्या हुआ? कोई आएगा और मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना? अब क्या हो गया? हवा ढीली हो गई? शायद किसी ने कुछ बोला हो, पर मेरे डर की वजह से वो देश छोड़कर ही चला गया होगा। आई एम द विनर, जीत मेरी हुई। भैरव, एक छोटी सी बात बता देता हूं तुम्हें, सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। कुछ खास बात नहीं है। असल में तुम्हारे खिलाफ केस करने वाला व्यक्ति इस धरती पर होगा तब तो मिलेगा तुम्हारे आदमियों को। मतलब तुम्हारा बाप तो बेवकूफ था ही, तुम में भी दिमाग नहीं है। ए, तुम्हारी कंप्लेंट करने वाले कैरेक्टर को मैंने क्रिएट किया है, तुम्हें यहाँ कोर्ट में लाने का चैलेंज किया था मैंने, तो लेकर आ गया। तुम्हारी इमेज को डैमेज करके उस क्रिमिनल लिस्ट में तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है। तुम्हारी क्राइम स्टोरी है तो मेरी पुलिस स्टोरी है। ए गोपी। हाँ पापा। गाड़ी रोक। क्यों पापा? बताता हूं, पहले गाड़ी तो रोक। ए गोपी, इस भैरव ने जो 197 मर्डर किया है वो एक तरफ, लेकिन इस रणधीर का मर्डर तो होना ही चाहिए। हाँ पापा, कम से कम रणधीर की मौत के बारे में 10 साल तक तो लोगों को बात करनी चाहिए। उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्यों? वो एसीपी है, देखा नहीं तूने? 24 hours पुलिस प्रोटेक्शन है उसे। वरदा, चाहे जितना भी प्रोटेक्शन हो, उसके कुछ तो कमजोरी होगी। अगर वो हमें पता चल जाए तो उसका वही आखिरी पल होगा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है, ये फौरन रुकनी चाहिए। ज्योति, कैसी हो? तुम्हें क्या, हमेशा की तरह भी आराम से देख रही हो मुझे? क्या यार, यही सोच रही हो ना कि मैं कैसा हूं? बहुत खुश हूं मैं, जानती हो क्यों? पहली बात, बुराई को खत्म होते हुए देख रहा हूं। दूसरी बात, अच्छाई की जीत भी देख रहा हूं। नहीं समझी ना? तुम हमेशा कहती थी ना, हमारे इस देश में तुम अकेले मेंटल हो और गुस्से वाले भी हो,
तुम्हारे अकेले के लड़ने से उस लड़ाई का न आरंभ होगा और न ही अंत होगा। हाँ यार, आरंभ अगर मैं हूं तो अंत वो है, अग्नि अगर मैं हूं तो वो अग्नि पर्वत है। सिर्फ धर्म युद्ध से जीत नहीं होगी, ये बात भगवान को भी समझ में आ गई थी और इसीलिए दशावतार की आवश्यकता महसूस हुई। यहां भगवान की नहीं, हिम्मत वाला चाहिए। यदि एकता बनाकर चोट की जाए तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर किया जा सकता है। मेरी तरह यही सोच रखने वाले उस बंदे ने आगे बढ़कर शंखनाद कर दिया। यस, रेवन जीतेगा, वो जरूर जीतेगा। एक ही वार में उसकी सांसें रुक जाएं। ऐ, वो पंचभूत हैं और वो पंचभूत हमेशा एक साथ ही रहते हैं। उनमें से हर एक के पास 10 लोगों की ताकत रहती है। कैसे मारे उन्हें यार? ऐ, जो नंबर तूने ट्रेस करने दिया था, हाँ, उससे पता चला कि एक आदमी उनसे अलग रहता है। आंध्रा, निजाम, सेडार, बैंगलोर, मैंगलोर, कैलकटा, नलकटा, जलकटा, एनी एरिया, सिंगल हैंड जेट स्पीड चिट्टी है इधर। चुप कर, चुप। क्या? अपना मुंह और क्या, तो क्लियर बोलो ना। इधर आ। अरे सबके सामने मारना मुश्किल है ना। चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो, एक एक को चुन चुन के मारूंगा और हुसैन सागर में फेंक दूंगा। ए, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है भरत। कुछ भी हो जाए, टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, क्या रे, आजकल इतना काम बढ़ गया भाई।
पैसा देता ही नहीं है ज्यादा। मेरा टायर, मेरा टायर। तो देख ये है। तू पूछने वाला कौन है? देख अपना क्या? मेरा टायर है। आधी रात को तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? झगड़ा कर रहे हो? क्या हो रहा है भाई? देखो ना इन लोगों को। जाने दो। बचना नहीं चाहिए। छोड़ो छोड़ो मुझे। मार इसे। नहीं। टपका डाल। ये सब हो क्या रहा है? अरे हमारा कोई भी दुश्मन ना बचे इसलिए हम एक एक करके सबको मारते चले गए, लेकिन अब की बार कोई हमारे लिए जाल बिछा रहा है। वो गोली शिवा का गैंग सब गांव छोड़ के भाग रहे। तो फिर रणधीर के अलावा हमारा और कोई दूसरा दुश्मन है भी नहीं? दुश्मन? ए चुप। मैं बताता हूँ। साइड हटो। मैं बताता हूँ दुश्मन कौन है। ये बात तुम लोगों के लिए बता पाना जरा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए ये बात बताना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे तो सिर्फ एक या दो ही दुश्मन होंगे, लेकिन तुम्हारे तो सारे लोग ही दुश्मन है। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। ब्रह्म हत्या महापाप होता है, ये कहावत कभी सुना है तुमने? यार तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तो बस इनसे पूछ रहा हूँ। ए सुन, ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ये शास्त्री की पोती तो ये सब नहीं करवा रही है ना? अब ये सब तो मुझे नहीं पता, मन में जो बात आई जुबान से निकल गई बस। समझ गए हो तो बच जाओगे, नहीं समझे तो स्वर्ग चले जाओगे। भाई तुम्हारा पीने का मूड है क्या? जा रहा हूँ। गोपी, अब हमारे सामने दो ही टारगेट हैं, एक तो उस लड़की को मारना और दूसरा उसे जो हमें ढूंढ रहा है उसे भी ढूंढकर पकड़ना है। मेरे भाई भानु प्रकाश ने मूछों पर ताव दिया तो उसे मार दिया। मैंने पूछा ये कैसा न्याय है तो मेरे पैर कटवा दिए। इसे मार दो इसे।
हमारा दुश्मन गहरी नींद में है, यही सही वक्त है रेवन, मार डालो इसे। लोगों को बेरहमी से मारने वाले इस राक्षस को ऐसी मौत देनी है कि मौत भी डरे। तुझे छुप कर मारना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर तुझे दिखाना था कि तेरी मौत कैसी होगी, कब आएगी, किस रूप में होगी, ताकि तेरी रूह कांप जाए। तू घबरा मत, तुझे घर के अंदर नहीं मारूंगा, सबके सामने मारूंगा, टुकड़े 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 करके मारूंगा। मौत कितनी भयंकर होती है तुझे पता चलनी चाहिए। तैयार हो जा। पापा, हमारे राजू को किसने मारा? पापा, एक रात के लिए मैं बाहर क्या चला गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। पापा, कौन था वो, कैसा दिखता है वो, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या जिंदा नहीं छोड़ूंगा? हाँ, ये उन्हें नहीं मार सकते क्या? आज तक कितनों को मारा है, इनके मन में डर आ गया है, मतलब वो जिसने भी ये किया है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पापा बताओ। पापा, जो भी हुआ आपने देखा ना, एक 25 साल का निडर लड़का भैरव के घर में आकर उसके ही गले पे छुरी रखकर वार्निंग देकर गया है, मेरा अपमान करके गया। उसे देखकर लगा कि मौत खुद चलकर मेरे घर आई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में वो मेरी मौत बन के आया था? क्या ये सच है? देखा तूने? देखा माँ, उस भयंकर राक्षस को उसका भविष्य बताकर आ रहा हूं मैं। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? श्री कृष्ण भगवान ने भी शशिपाल को भी 100 गलतियां करने का मौका दिया था। पाप का घड़ा भरने तक सहन करना चाहिए। आज ही उसका उसका पतन शुरू हो चुका है। माँ, तू क्या देख रहा है बेटा? 25 सालों के बाद अपने गुमनाम पिता का नाम सुनकर दुख हो रहा है तुझे? भैरव गौड़ा ही रेवन का पिता है? वो राक्षस ही रेवन का पिता है। 25 साल पहले वो भैरव गोंडा गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल आया था। वो पुलिस केस है कहकर डॉक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। तब डॉक्टर होने वाले मेरे पिता उसे घर पर ही ट्रीटमेंट दे रहे थे। वो एक गुंडा है जानते हुए भी मैंने उसकी सेवा की। जान बचाने का एहसान न मानकर उसने मेरी इज्जत लूट ली। मुझे बचाने के लिए आए हुए मेरे पिताजी के हाथ भी उसने काट दिए। उस हैवान के प्रतिरूप में मेरे पेट से रेवन ने जन्म लिया। अपने पिता और बहन के सहारे अपने बेटे को छोड़कर उस भैरव गौड़ा से बदला लेने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब हुई। मुझे बर्बाद करने वाले उस राक्षस की एक छोटी सी गलती भी नहीं सहन कर सकता मेरा बेटा। हम सब ने उस राक्षस भैरव गौड़ा की वजह से बहुत सहन किया है। मेरी पूरी फैमिली उसकी वजह से खत्म हो चुकी है। ये चिट्ठी अनाथ हो चुका है, वो भैरा हो चुका है, वो बुजुर्ग इंसान भी बहुत परेशान है। हम सब इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो उसके शिकार हैं। फिर भी वो आदमी रेवन के पिता है, ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों। पिता के ना होने के बाद भी मेरी माँ ने पिता, माँ, गुरु, भगवान सब कुछ बनकर पाला है। सही कह रहे हो बेटा। भैया। हाँ बहन, रेवन के पिता नहीं है तो क्या हुआ? जैसे ये है वैसे रेवन भी मेरा बेटा है अंकल। हाँ बेटा, अब मैं बदल चुका हूँ। हमारे बीच जो हुआ वो मैं भूल चुका हूँ।
ओके, अभी मैंने कह दिया ना, इस खुशी के मौके पर हम सब लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे। ए, ए, साइड आइटम, एक बात बताइए, आज दो ही लोग हैं, बाकी सब लोग कहाँ मर गए? मर गए नहीं, मेरा मतलब कहाँ चले गए? क्या बात है जी, बहुत गहरी सोच में लग रहे हैं आप। ओ, और कितना पाप करना है ये सोच रहे हैं क्या? देखिए, एक कहावत है, पिछले जन्म में किए हुए पापों को इस जन्म में भुगतना पड़ता है। पर ये बातें पुरानी हो गई, अब ये कलयुग का जमाना है, इस जन्म में किए पापों को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसीलिए अगर आप सुधर कर बदल जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, समझ गए? तू क्या हमें नसीहत दे रहा है? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला तू हमें पाठ पढ़ा रहा है? अरे क्या कर रहा है, इसे क्यों मार रहा है? पर हाथ मत उठा, अब इसकी जरूरत नहीं है। सही कहा, जो हमारे घर में आके हमें वार्निंग देके गया वही हमारा टारगेट है, उसे उठा कर लाओ। पापा, उसे ढूंढने के लिए मैंने अपनी पूरी पलटन को भेज दिया है, जिस दिन वो मिला वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हटो, उसका काम मैं तमाम करूंगा। ए, तुम भी क्या कह रहे हो? खत्म हो गई है, थोड़ा पैसे दे दो ना। तुम्हारे पास है? लाख लगेंगे। 2 लाख की क्या बात है, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, बस काम होना चाहिए। बाय रेवन। तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। तुम्हारे इरादे के आगे मेरा रिस्क कुछ बड़ा नहीं है, पर उसके घर में उसे मारना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसे पता भी न चले और उसका सीना चाक हो जाए, ऐसा हथियार चाहिए। आ गया। वो हथियार मैं ही हूँ। बच्ची जरा वहां जाकर बैठ जाओ, बड़ी अच्छी बच्ची है। ये क्या यार, ये तो पक्का बेवड़ा लग रहा है। अरे है ना? सुन, ये उन गुंडों का रिश्तेदार है। ओ, ये हमारे काम कैसे आएगा? मैं कैसे काम आ सकता हूँ ये सोच रहे हो ना? पहले कुछ पीने को लेकर के आओ, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे काम आ सकता हूँ। क्या दारू? हाँ वही, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इसीलिए तो मुझे यहाँ लेकर के आयो। फटाफट लेकर आओ, मुझे चाहिए। ये ले। ये तो क्वार्टर है। ज्यादा है क्या? फूल भी कम पड़ जाएगा। एक फूल लेकर आओ। ये तो फ्लावर की बात कर रहा है, फूल का मतलब फूल नहीं, फूल बोतल। इसे यहाँ लेकर क्यों आए बेवड़ा कहीं का? इसकी हालत देखो, ये क्या बताएगा? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, उनके बारे में सारे राज बता दूंगा। लंका जितना बड़ा घर है, 6 एकड़ में, बहुत बड़ा दरवाजा है। फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे तो ऊपर 4 कमरे हैं, नीचे 4 कमरे। वहां पर हमारे गोपी का कमरा है, नैरुत में होगा। उस रूम में जाओगे तो लड़के का पलंग, दीवार पर सांड के 2 सिंग लटके हैं। पलंग के बाजू में एक ड्रॉर है, उस ड्रॉर में एक गन है। सारी खिड़कियों में 7 लाइन होते हैं, पर हमारे गोपी की खिड़की में 6 लाइन ही है। एक तो मैंने तोड़ दिया।
क्योंकि दरवाजा बंद करने के बाद हवा खिड़की से आ जा सके। हो गया या फिर और कुछ चाहिए? पीने के बाद इतनी पावर कहाँ से आ जाती है? तुम सब महाभारत जानते हो ना, उसमें जो शकुनी का कैरेक्टर है ना, मेरा ही है। मेरी जायदाद छीन ली, मेरे अपनों को मार डाला उसने, अब तुम सब मिलकर उसे मार डालो। मौके के इंतजार में ही था मैं। चाचा जी, फोन है क्या? इधर लाओ, उस गोपी को यहाँ बुलाता हूँ। गोपी बेटा, कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ, जानता हूँ। सुनो, यहाँ पर एक चित्राणी नाम की बड़ी सुंदर लड़की आई हुई है। क्या सुपर फिगर है यार उसका। अच्छी फिगर। गांव के कोने वाले ढाबे में बैठा हूँ। जल्दी आ जाओ, किसी भी तरह से फटाफट यहाँ पहुँचाओ। चलो, आते ही निपटा दो उसे। बहुत नॉटी हो। पलंग के बाजू में एक ड्रॉअर है, ड्रॉअर में गन है। मारने की कोशिश कर रही थी? तुझे एक घंटे का टाइम दिया, जानता था कि सच धज कर मौत मेरे पास आई है, पर फिर भी तुझे अपने करीब आने दिया। मुझे जन्नत के ख्वाब दिखा दिखा कर जहन्नुम भेजने का षड्यंत्र रचा था तूने। शेख, बेवजह उस लड़की को मार डाला। भाई, यही मेरा घर है, जरा वहां देखो, मेरा परिवार। बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ घूमने जा रहा था भाई, बस नहीं मिली तो मैंने तीनों को ऑटो में बैठा दिया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई, माँ माँ बहन सबके चीतड़े उड़ गए भाई, और इसकी पूरी फैमिली फिल्म देखने गई और धमाके का शिकार हो गई। हमारी क्या गलती है भाई, हमें अनाथ करने वाला कोई और नहीं वही गुंडा है, उसे हर कीमत पे मारेंगे। रो मत प्लीज, अब उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कंट्रोल कंट्रोल, रिलैक्स भाई। ये रिलैक्स हो रहे हैं भाई? भाई इन्हें रिलैक्स मत होने देना भाई। अपने पापा की बात सुनकर उस दिन इसे छोड़ दिया था, ऊपर वाले ने फिर मुझे मौका दिया, इस बार इस फूल को मसल के रख दूंगा। और हमने तुम लोगों के राज जानने के लिए उस गोलकोंडा को फुल बॉटल सप्लाई की,
तेरा ही आइडिया तेरे पे अप्लाई किया। आज के बाद तुम सब फिनिश। तुम्हारे गोलकुंडा मामा को एड्रेस बताकर तुम्हें हमने ही यहाँ बुलाया है। ए, ये तेरे लिए नया होगा, हमारे लिए नहीं। भरत, ये क्या हो गया? सिर्फ एक को मार के क्या मजा मिलेगा? अपनी तलवार निकालो रे, चीर डालो इन्हें। कोई बच के न जाने पाए, काट डालो सबको। भाग चिट्टी, वो लोग आ रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ना, जल्दी चलो। चिट्टी जल्दी जल्दी। अरे पकड़ो। हाँ जी। तुम्हें क्या लगता है, बच जाओगे? मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। रेविन, रेविन जल्दी आ जा। कोई बचना नहीं चाहिए। और भागा नहीं जा रहा, चल चल। अरे अरे देख, अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, रुक नहीं सकते। उठो, उठ जा, उठ जा, चल 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 चल। अरे मैं भाग तक गया, चल जल्दी। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। सिगरेट दे यार। तूने कब से पीनी शुरू कर दी? तुम ठीक तो हो ना? भरत को देखो क्या हुआ? भरत, 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 भरत आगे कौन? हे भगवान, चिट्टी, भाई तुझे कुछ नहीं होगा। भाई इस जेट स्पीड चिट्टी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ऊपर भी थोड़ा जल्दी जल्दी। चिट्टी, चिट्टी, भाई 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 मुझे छोड़ दे। भाई भाई इन्हें मार, भाई मुझे मुझे छोड़ दे।
मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे। चुट्टी, प्लीज चुट्टी, तुझे कुछ नहीं होगा भाई। चुट्टी, पहले उन्हें मार भाई, हमें भरत का बदला लेना भाई। उन्होंने उन्होंने से बड़ी बेरहमी से मारा भाई, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। चुट्टी चुट्टी, चुट्टी आ जाओ। चिट्टी देख, मैंने उन सबको मार डाला, मार डाला एक एक को, तेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला भाई। भाई क्या हुआ, और वो गोपी कहां पर है भाई? गोपी को कुछ हो गया क्या? गोपी को मार दिया भाई। किसने मारा भाई? उन लोगों ने उसे मार दिया। एए! सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, मत जाइए। हम उसके हाथ जोड़कर अपनों की लाश लेकर आते हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगी, अब ये मौत का खेल रोक दीजिए। हट जाओ बसंता। रुक जाइए, रुक जाइए। वरदा, जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर तूने ये काम पूरा किया तो मेरी जायदाद तेरी, तू उसका अकेला वारिस होगा। मौत उसकी दौलत है और उसकी जायदाद शमशान। आ जा, ए, जा! तुम्हारा गला काटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हारे पैर काटे हैं। जानते हो क्यों? ताकि तुम अपने साम्राज्य को खत्म होते हुए देख सको। देखो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। कौन है तू और तूने मुझे टारगेट क्यों बनाया? मैं कौन हूँ जान जाओगे तो धड़कने रुके, इससे पहले जरूर जान जाओगे। तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें किसी से मिलाना जरूरी है, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ, धैर्यं स्थैर्यं धर्मं न्यायं हस्तालै मरण शासन प्रदिन भूनिन अस्त्रालै धैर्यं स्थैर्यं धर्मं न्यायं हस्तालै मरण शासन प्रदिन भूनिन अस्त्रालै रक्तमरुणिकिर चंद्रकांतुलै विलय विकृत मृत्युज्वालै अर्धनादमे अग्निहोत्रमै असुरदानमे अंचकाष्टमै कुदिक्कुन दुष्ट शिक्षण प्रज्वलिंचि प्रचंड तुलसी। हाँ
मैं ही हूँ तुलसी। मतलब ये मेरा बेटा है। तुझ जैसे हैवान को सीधा यमलोक भेजने के लिए मैंने तैयार किया है ये शूरवीर योद्धा। मेरे इस दुनिया में आने की वजह तू है, और इस गैंग को बनाने की वजह मेरी माँ है। 200 परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। क्रिमिनल लॉयर बनकर करियर शुरू करने वाला तू खुद एक क्रिमिनल बन गया। सिर्फ तुझे मारने के लिए मैंने ये गैंग नहीं बनाई। गलती करने वाला चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, यही बताने के लिए बनाई है मैंने। इसीलिए इस यात्रा पर निकल पड़ा हूं मैं। मुझे माफ कर दो। 25 साल पहले ही तुझे मरने दिया होता तो आज कई परिवार सुखी होते। ए रेवन, इसे मारने के बाद ही तेरा लक्ष्य पूरा होगा। मार दे इसे। हाँ? 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 हाँ?